कारी इज ए फास्ट लर्नर, कारी तेजी से सीखने वाला है. ही मास्टर्स ऑल सिग्नल्स एंड साउंड, वो सारे संकेतों और आवाज़ों का जो कि ही इज टॉट, उसे सिखाई जाती हैं. उसका जो मास्टर बन गया उसमें वो बिल्कुल क्या हो गया है, प्रवीण चतुर हो गया है. देयर इज़ वन लेसन ड्यू, यद्यपि एक पाठ है. दैट जो एन एलिफेंट, हाथी, एक हाथी टेक्स लेता है 5 ईयर्स, 5 साल टू लर्न, सीखने में. कारी इज नो एक्सेप्शन, तो कारी भी उसका अपवाद नहीं है. एन एलिफेंट मस्ट बी टॉट, एक हाथी को सिखाया जाता है. वैन कब टू सिट डाउन, नीचे बैठना है. वैन टू वॉक, कब चलना है. वैन टू गो फास्ट, कब तेज चलना है, तेज जाना है. एंड वैन टू गो स्लो, और कब धीरे जाना है. यू टीच हिम, तुम उसे सिखाते हो. दीज थिंग्स, ये बातें. एज यू टीच ए चाइल्ड, जैसा तुम एक बच्चे को सिखाते हो. इफ़ यू से, यदि तुम कहो. धत एंड पुल हिम बाय द ईयर, उसे कान से पकड़ कर खींचो. तो ही विल ग्रेजुअली, धीरे धीरे, ग्रेजुअली धीरे धीरे, विल लर्न, सीखना. लर्न सीखना, तो विल लगा सीख जाएगा. टू सिट बैठना. सिमिलरली, इसी तरह से. इफ़ यू से, यदि तुम कहो. माली एंड पुल हिज ट्रंक, और उसकी सूंड को फॉरवर्ड आगे की ओर खींचो. तो ही विल ग्रेजुअली, धीरे धीरे, लर्न सीख जाएगा कि ये चलने का संकेत है. कारी लर्न माली आफ्टर 3 लेसन्स, कारी ने माली 3 अभ्यासों के बाद, 3 पाठ के बाद सीख लिया था. बट लेकिन इट टुक हिम 3 वीक्स टू लर्न धत, लेकिन धत को सीखने में उसे 3 हफ्ते लगे, या उसने 3 हफ्ते लिए. ही वॉज नो गुड एट सिटिंग डाउन, वो नीचे बैठने में कुशल नहीं था, या अच्छा नहीं था. एंड और डू यू नो, आप जानते हैं वाई क्यों एन एलिफेंट, एक हाथी, शुड बी टॉट, सिखाया जाना चाहिए. टू सिट डाउन, नीचे बैठना. बिकॉज, क्योंकि. ही ग्रोज, वो बढ़ता है. टॉलर एंड टॉलर, लंबा और लंबा होता है. देन यू, तुमसे ज़्यादा. वो टेक केयर ऑफ हिम, तुम जो जो कि उसकी देखभाल करते हो उससे. सो इसलिए, दैट वैन, जब वह, दैट वेन ही इज़ 2 और 3 ईयर, जब वो 2 या 3 साल का होता है. तो यू कैन, तुम केवल रीच, पहुँच कैन सकते हो हिज बैग, उसकी पीठ पर, विद ए लैडर, सीढ़ी से. इट इज़ देयर फॉर, ये है इसलिए. बेटर, ज़्यादा अच्छा. टू टी, सिखाना हिम इसको. टू सिट डाउन, नीचे बैठना. बाय सेइंग धत धत कहकर. सो जिससे, दैट यू कैन क्लाइंब अपॉन हिज बैग, जिससे तुम उसकी बैग, पीठ पर, ऊपर क्लाइंब चढ़ सको. फॉर हु वुड वॉन्ट, तो कौन चाहेगा. वुड वॉन्ट, वॉन्ट चाहना, वुड चाहेगा. टू कैरी, लिए रहना. अ लैडर, एक सीढ़ी. अराउंड ऑल द टाइम, सारे समय. द मोस्ट ब्यूटिफुल डिफ़िकल्ट थिंग, सबसे कठिन बात. टू टी, सिखाना एन एलिफेंट, एक हाथी को, इज़ है मास्टर कॉल. मास्टर कॉल होती है वो. वो सामान्यतया, जनरली सामान्यतया, टेक्स लेता है 5 साल टू लर्न, सीखने में. इट इसको प्रॉपरली, ठीक से. द मास्टर कॉल, मास्टर कॉल इज़ है अ स्ट्रेंज, एक विचित्र हिसिंग, फुफकार, हाउलिंग साउंड, गुर्राने की आवाज़. एज, जैसे कि एक सांप और एक चीता वर फाइटिंग ईच, एक दूसरे से लड़ रहे हों. एंड यू हैव टू मेक, और तुम्हें मेक, बतानी होती है. दैट काइंड ऑफ नॉइज, उस प्रकार की आवाज़, उस प्रकार का शोर. इन हिज ईयर, उसके कान में. एंड डू यू नो, क्या आप जानते हैं. व्हाट यू एक्सपेक्ट, क्या आप आशा रखते हैं. एन एलिफेंट, एक हाथी से. टू डू, करने की. व्हेन, जब. यू गिव हिम, आप देते हैं उसको. आप उसको मास्टर कॉल देते हैं, तो आप उससे क्या करने की आशा रखते हैं. इफ़ यू आर लॉस्ट इन द जंगल, यदि आप जंगल में खो गए हैं. और दिए, वहाँ देयर इज़ नो वे आउट, बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है. एंड एवरीथिंग इज़ ब्लैक, और सब कुछ क्या है, काला. एक्सेप्ट, अतिरिक्त या अलावा. द स्टार्स अबव, ऊपर, तारों के अलावा सब कुछ काला है. यू डेयर नॉट स्टे, तुम डेयर, साहस करना. नॉट नहीं, स्टे, रुकने का. वेरी लॉन्ग, बहुत लंबे समय तक. एनी वेयर, कहीं. और आप कहीं भी लंबे समय तक नहीं, रुकने का साहस नहीं करते हैं. द ओनली थिंग, केवल बात या काम. टू डू, करना होता है. देन, तब.
इज़ टू गिव द मास्टर कॉल, मास्टर कॉल देना, उस समय जो केवल काम होता है वो मास्टर कॉल देना होता है। एंड एट वंस, तत्काल द एलिफेंट हाथी पुल्स डाउन द ट्री, पुल्स डाउन यानी कि गिरा देते हैं पेड़ों को, इन फ्रंट ऑफ हिम अपने सामने के, विद हिज ट्रंक अपनी सूंड से, दिस फ्राइटन्स और ये भयभीत कर देता है ऑल द एनिमल्स अवे, तो ये बात सारे जानवरों को दूर जाने के लिए भयभीत कर देती है, यानी कि जानवर डर कर दूर चले जाते हैं। एज द ट्री कम्स क्रैशिंग डाउन, और जैसे ही पेड़ जो है वो धमाके के साथ नीचे आते हैं, मंकीज वेक, वेक माने जागना, बंदर जाग जाते हैं अपनी नींदों से, एंड रन, और भागते हैं एक शाखा से दूसरी शाखा पर। यू कैन सी, तुम देख सकते हो, देम उनको, इन द मूनलाइट चांदी रात में, एंड यू कैन और तुम ऑलमोस्ट लगभग देख सकते हो, स्टैक्स 12 सिंहों को रनिंग भागते हुए, इन सा ऑल डायरेक्शंस बिलो, बिलो नीचे सारी दिशाओं में। यू कैन हियर, तुम सुन सकते हो, द ग्राउल ऑफ द टाइगर, बाघ की, बाघ का जो गुर्राना होता है, इन द डिस्टेंस दूरी पर सुन सकते हो, इवन यहाँ तक कि ही इज़ फ्रेंड, वो भी भयभीत होता है। देन द एलिफेंट, फिर हाथी पुल्स डाउन, नीचे गिरा देता है अगले पेड़ को, और फिर अगले को, और फिर अगले को, सून जल्दी ही यू विल फाइंड, तुम पा लोगे कि ही हैज़ मेड अ रोड, उसने एक सड़क बना दी है, राइट ठीक थ्रू द जंगल, जंगल में से होकर, स्ट्रेट सीधे टू योर हाउस, तुम्हारे घर को। तो राइटर हैं धनगोपाल मुखर्जी, फ्रॉम कारी द एलिफेंट, होप यू विल लाइक इट।